अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी उठ चुके हैं सुबह सुबह और नाश्ता भी करना है। 11:15 हो रहे हैं, लाइट चली गई है और अब मम्मा नाश्ता बनाएंगी हमारा। मम्मा पापा के कपड़े इस्त्री कर रही थी तो लाइट चली गई, वहाँ पे रुक गई हैं। ऑलमोस्ट इस्त्री हो चुके थे और अब वो प्रेस हो जाएंगे और नाश्ता वगैरह करूँगी, फिर मैं चेंज करूँगी। कल से मैंने यही ड्रेस पहना हुआ है। चेंज करने के बाद फिर मैं देखूंगी, क्योंकि लाइट चली गई है, पापा का प्रेस होगा फिर ही मेरा प्रेस होगा ना, तो लाइट चली गई इसलिए मैं ब्रेकफास्ट के बाद ही जो है कपड़े चेंज करूंगी। और कल का व्लॉग काफ़ी छोटा था, आई थिंक 6 मिनट का था या उससे कम था, वो भी बर्थडे क्लिप्स ऐड करने के बाद, नहीं तो 4 मिनट्स का बन रहा था। तो इसलिए मुझे मतलब कल मैं भूल ही गई थी कि मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, तो रात को फिर मुझे याद आया था तो मैंने आपको थोड़ी सी फोग दिखा दी। फिर उसके आगे मम्मा ने कहा कि ईसा के बर्थडे के क्लिप्स डाल लो, तो वो डाल लिए। और अभी मैं जो है एडिट करके उसको पोस्ट कर दूंगी थोड़ी देर तक। एडिट मैंने रात को कर लिया था, बस उसका थंबनेल वगैरह बनाना, उसको पोस्ट करना फटाफट। ये देखिए यहाँ पे फोग कितनी है और ठंड बहुत है। मैंने अभी अभी अपनी टोपी वेयर की है, बहुत ठंड लग रही थी। बाहर आ गई हूँ थोड़ी देर के लिए और नाश्ते का भी कोई सीन नहीं है, लाइट गई है और गैस भी चली गई है, गैस बिल्कुल नहीं है। और मम्मा कह रही हैं अब जब 12:15 पे लाइट आएगी तो फिर ही गैस आएगी, फिर ही नाश्ते का कोई सीन हमारा जो है ऑन होगा। और अभी हम बाहर आए हैं, इतनी ठंड है बाहर भी कि ये पीछे से दरख्त हमें नज़र ही नहीं आ रहे थे। वो देखें वो कोने, ये बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा। तो मेरी इस जगह में बहुत दर्द हो रही है दोनों साइड से, क्योंकि हम लोग जो है कल बहुत अचार खाया हमने, 3 दफ़ा अचार खाया हमने, जितनी दफ़ा चावल खाया उतनी दफ़ा अचार खाया, और अब इस जगह में इतनी दर्द मैं बता नहीं सकती। ये देखें ये बाहर से आए हैं नवाबजादे, ये देखें इतना बड़ा हो गया ये। वो नहीं लेना, वो वहां पे वो सामने स्पैरोज है ना, उनको देख देख के उछल रहा है। इसके अंदर से उतरना भी नहीं। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था, मैं दिखा नहीं पाई, मेरा फोन बंद हो गया था। और मम्मा अभी ग्रॉसरी करने के लिए गई हैं मूसा और इब्राहिम के साथ, ईसा हमारे पास घर में है और पापा भी आ चुके हैं बिल्कुल। और अभी जो सीन है, मम्मा ने खाना भी बना लिया है, मम्मा बस बाहर गई हैं, फिर अभी आप ही भी आने वाली हैं, वो आती हैं पढ़ाती हैं। और अभी आजकल बिल्कुल इतनी ठंड हुई हुई है ना यहाँ पर कि दिल नहीं कर रहा बाहर निकलने का, हमारा घर पूरा बंद है, कहीं से भी हवा नहीं आ रही, बट फिर भी इतनी ठंड लग रही है। यशवा कह रही थी कि मम्मा आज मैं आपको खाना बना के देती हूँ, मतलब मम्मा ना पास बैठी हुई थी और यशवा प्याज को ना गोल्डन ब्राउन कर रही थी, मतलब चम्मच हिला रही थी बीच में, तो चम्मच हिलाते हिलाते उसने प्याज ही जला दिया। फिर उसे मम्मा से इतनी डांट पड़ी और फिर मम्मा ने दोबारा से सारा प्याज कट किया, उसको सब कुछ किया, फिर खाना दोबारा से बनाया, प्याज जला हुआ। मैं दिखाती हूँ 1 सेकेंड, ये देखें ये इसने प्याज जलाया, यहाँ के कमर भी जम गई है ऐसा लग रहा है। ये हीटर हम लोगों ने लगाया, आप ही आ गई हैं और ये यशवा पढ़ रही है। अभी मैं भी अपना बैग लेने जा रही हूँ, मूसा वगैरह ग्रॉसरी करने गए हुए हैं मम्मा के साथ, वो आएंगे तो फिर दिखाऊंगी। ये देखें सुबह से मुझे अपना सूट चेंज करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, इतनी ठंड है। ये तो मुझे अभी भी लग रहा है जैसे ये ड्राई नहीं हुआ है। मैं अभी मैं आप ही को ही चेक करवाती हूँ, क्योंकि मम्मा तो ग्रॉसरी करने गई हैं, उनको चेक करवाती हूँ, उनसे पूछती हूँ ये हुआ है या नहीं। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि मुझे लग रहा है वो गीला है, मैंने आप ही को चेक करवाया, वो कह रही है वाकई हल्का हल्का सा गीला है, तो उसको आप ज़ोर से प्रेस करो तो फिर वो गीला नहीं लगेगा। तो अब मैं उसको प्रेस करने के लिए मैंने इस्त्री जला दी है, इसकी लाइट देखें जल रही है, इसको मैं प्रेस करती हूँ फिर देखते हैं आगे से क्या करना। जी तो चेंज मैंने कर लिया, बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ मैं, और कपड़े बदल के ना नया नया फील होता, पता नहीं क्यों सुकून हो गया मुझे, मैंने कपड़े चेंज किए। ये देखिए मेरी फ्लैश ऑन थी थोड़ा, इसलिए इसको इग्नोर।
अभी मैं और मम्मा जा रहे हैं बाजार। मम्मा ने कुछ सामान लेना शायद, या फिर कोई कुकर वगैरह वो खरीदना है, उसको सही करवाना, पता नहीं कुछ करना है। तो मैं रेडी हो गई, मम्मा बुर्का पहनती हैं, फिर हम लोग निकलते हैं। पहले मैं बाइक के नीचे हील पहनती थी तो मुझे थोड़ा थोड़ा चलने में मसला होता था। मैं मूसा के शूज़ पहन लेती हूँ, ये देखें ये शूज़ है, तो ये मैं पहन लेती हूँ। एक तो ऊंचे हैं ज़्यादा, मैं छोटी नहीं लगती, और दूसरा कंफर्टेबल है काफ़ी। मूसा का मेरा साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, मूसा का मेरा साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, और मतलब मूसा को थोड़े ये टाइट है पर मुझे थोड़े खुले हैं, उसका थोड़ा पाँव भारी भारी है, पता नहीं क्यों। सिटी बेकरी, ये हमारी चीज़ आ गई है। मैं मम्मा के पास जा रही हूँ किचन में थोड़ी सी हेल्प करवाने, ये मेरी डेयरी मिल्क है, और जो हम सामान लाए थे उसमें नूडल्स ही थे, ये नूडल्स थे और उनका कुछ सामान था। यशफा मूसा वगैरह को वो ले गए हैं, मैं दिखाती हूँ मूसा क्या कर रहा है। मूसा मम्मा से छुप के ना मशीन में जूस बना रहा है, और मम्मा ने कहा था कि मशीन अभी धोने वाली है तो अभी नहीं बनाओ, वो काफ़ी भारी है, तुम्हारे हाथ पाँव पर ना लग जाए, तो उसने खुद ही धो लिया। और अब जब मम्मा को पता चलेगा ना, शायद वो व्लॉग में ही देखें, तो फिर इसको बताएंगी। ये देखें ये मशीन में ये जूस निकाल रहा है, ये देखें ये इसने ज़ाया किए। पहले इसको हमने कहा था कि इसमें लेमन की तरह स्क्वीज़ करें, इसका पल्प और ये जो बीज होते हैं सीड्स ये निकल जाए, पर वो कह रहा मुझसे नहीं निकल रहा, तो मैंने ये वॉश करके इसी में कर रहा हूँ। ये देखिए ना, फिश को मैरिनेट कर दिया था, अभी खाने का टाइम है। मम्मा ने बनाया चिकन ग्रेवी वाला, और साथ में जो है नान उन्होंने बाहर से मंगवाया पर मैंने घर में फ्राई किया, मेरा दिल नहीं कर रहा था। और अभी जो है सीन ये है कि हम लोगों ने अभी फ़िश को, वो फ़िश कोने में वो पड़ी है, वो देखें आगे ये पड़ी है ये फ़िश, इसको हमने मैरिनेट कर दिया। और अभी फ़िश को हमने मैरिनेट कर दिया, और अभी चिप्स बनाते हैं, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये कट देखें मेरे हाथ पे कैसा लगा, बड़ा ख़तरनाक, इतना लंबा ही है ये। ये देखें जी, ब्लड ही नहीं रुक रहा था, और सॉरी एंगल गलत हो गया था, ब्लड ही नहीं रुक रहा था, डबल सनी फ्लास्क लगा के देखें, ऊपर भी ब्लड अभी भी नज़र आ रहा है। रोज़ रात को मैं और मूसा टाइम पास के लिए रैकेट शटर खेलते हैं, आज भी हम लोग बाहर आ गए हैं, और ये हम लोगों ने ये देखें ये कट लगा था, और ये हम लोगों ने लाइट्स वगैरह ऑन कर ली हैं, और हम लोग अभी खेलेंगे।